विजन बोर्ड और विजन बुक एक ऐसी टेक्निक जिसकी मदद से लॉ ऑफ अट्रैक्शन का उपयोग आप बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं, और लॉ ऑफ अट्रैक्शन के द्वारा आप अपनी सभी ड्रीम लाइफ्स को आसानी से जी सकते हैं। एक विजन बोर्ड बनाना किसी चीज को विजुलाइज करने का सबसे पावरफुल टूल है। यह आपको उस चीज को लेकर हमेशा क्लियर करता है जहां पर आप खुद को फ्यूचर में देखना चाहते हैं। आपके जो भी सपने हैं, आपके जो भी लक्ष्य है, ये विजन बोर्ड या विजन बुक आपको उस लक्ष्य तक पहुंचाने में बहुत मदद करती है। इसीलिए इसे अपने जीवन में समझना और इसका उपयोग अपने जीवन में करना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि अगर बात करें हम अपने दिमाग की, तो हमारा दिमाग किसी और चीज की तुलना में विजुलाइजेशन को ज्यादा इम्पोर्टेंस देता है। जब आप उन चीज को विजुलाइज करते हैं और उन चीजों के पिक्चर्स को अपने इमोशंस के साथ जोड़ते हैं, तो आपके भीतर जो वाइब्रेशनल एनर्जी बनती है वह बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव होती है। वह सीधा आपके सबकॉन्शियस माइंड तक जाती है, और जब वो आपके सबकॉन्शियस माइंड तक जाती है, तब वो आपकी जिंदगी में लॉ ऑफ अट्रैक्शन को एक्टिवेट कर देती है, और लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके जीवन में एक अच्छे तरीके से इफेक्टिव वे में काम करता है। ये कहावत आपने सुनी होगी कि एक तस्वीर हजारों शब्दों के बराबर है, और ये बिल्कुल सच है। अपने लक्ष्यों को या अपने सपनों को क्लियर करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ज्यादातर हम लोगों की सबसे बड़ी गलती ये होती है कि हम अपने सपनों को क्लियरली देख नहीं पाते हैं, उसे विजुलाइज नहीं कर पाते हैं, और सिर्फ हम अपने सपनों में ही खोए रह जाते हैं। आप अपने विजन बोर्ड की शुरुआत उन पिक्चर्स को ढूंढने में कर सकते हैं, उन चीजों को जो आपके गोल से रिलेटेड है, जिन्हें आप अपने जिंदगी में पाना चाहते हैं। और जब भी आप अपने विजन बोर्ड को देखो, तो उस वक्त आपको वो फीलिंग महसूस हो जिसे आप अपने जीवन में अट्रैक्ट करना चाहते हैं, उसके साथ आपके इमोशंस जुड़ी भी होनी चाहिए। इसीलिए अपने जीवन में जो कुछ भी आप अट्रैक्ट करना चाहते हैं, उन्हें अपने विजन बोर्ड में आपको चिपकाना है। और याद रहे, आपको ये प्रोसेस करने में खुशी महसूस होनी चाहिए, क्योंकि खुशी होने से आपके भीतर के वाइब्रेशंस पॉजिटिव होने लगते हैं। आप उन पिक्चर्स को सोशल मीडिया या इंटरनेट पर कहीं भी ढूंढ सकते हैं। अगर आपको वो पिक्चर्स क्लियरली नहीं मिल रहे हैं, तो उन पिक्चर्स को लेकर आप थोड़ी बहुत एडिटिंग कर दीजिए और अपने विजन बोर्ड पर लगाइए, जिससे आपकी क्रिएटिविटी दिखनी चाहिए। क्योंकि जब आप उन पिक्चर्स में अपनी क्रिएटिविटी दिखाएंगे, तब आपके भीतर और ज्यादा इंटरेस्ट बढ़ेगा और आप उस पिक्चर्स को बार बार देखेंगे। साथ ही साथ उन पिक्चर्स के अलावा आप कुछ वर्ड्स भी लिख सकते हैं, जो वर्ड्स ज्यादा इफेक्टिव है, जिस वर्ड्स की मदद से आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, आपके भीतर एक पॉजिटिव एनर्जी फ्लो करने लगती है। उस तरह के वर्ड्स आप लिखे, अपने विजन बोर्ड पर उस तरह के वर्ड्स चिपकाए। ये पूरा प्रोसेस मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि उन्हें पढ़ने के बाद आपको अंदर से इंस्पिरेशन मिले और अंदर से आप पॉजिटिव एनर्जी महसूस कर सके। ऐसा होना चाहिए कि जब भी आप उस विजन बोर्ड को देखे, तो उसमें आपका फ्यूचर दिखे, आपको ऐसा महसूस हो कि आपको वह सभी कुछ मिल चुका है। क्योंकि जब आप ऐसा महसूस करेंगे, तब आप इस यूनिवर्स को ये शो करते हैं कि आपके पास उन सभी चीजों की अबंडेंस है। आप यूनिवर्स को अबंडेंस दिखाते हैं, और अबंडेंस के बदले आपको यूनिवर्सल लॉ के अनुसार अबंडेंस ही मिलता है। आप विजन बोर्ड की मदद से अपने किसी भी गोल या किसी भी स्पेसिफिक एरिया के गोल पर फोकस करने के लिए, उन्हें हासिल करने के लिए आप उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये भी जरूरी है कि आप अपने विजन बोर्ड को साफ सुथरा रखें और उन्हीं वर्ड्स और पिक्चर्स को अपने विजन बोर्ड पर लगाएं, जिन्हें देखने के बाद आपके भीतर एक पॉजिटिव एनर्जी आती हो। और एक बात, आप अपने विजन बोर्ड को जितना सिंपल रखेंगे, जितना क्लियर रखेंगे, वो आपके सबकॉन्शियस माइंड पर उतना ही इफेक्टिव होगा। क्योंकि जब आप एक साथ ढेर सारे इंफॉर्मेशन को अपने विजन बोर्ड पर लगाते हैं, तो आपके सबकॉन्शियस माइंड को एक साथ इतनी चीजों पर फोकस करने में मुश्किल होती है। आपके सबकॉन्शियस माइंड में एक कंफ्यूजन हो जाता है। इसीलिए अपने विजन बोर्ड को जितना क्लियर और सिंपल हो, उतना सिंपल बनाएं। वो आप इमेज की मदद से कर सकते हैं, या राइटिंग की मदद से भी कर सकते हैं, कुछ वर्ड्स के प्रयोग करके भी कर सकते हैं, जिससे आपके सबकॉन्शियस माइंड को ये क्लियर पता चले कि आपका गोल क्या है। इतना करने के बाद आपको सिर्फ ये महसूस करना है कि आप उस गोल को पा चुके हैं। अगर आपके गोल्स डिफरेंट डिफरेंट है, तब आप एक से ज्यादा विजन बोर्ड भी बना सकते हैं। जैसे
एक विजन बोर्ड आपको अपने पर्सनल गोल के लिए यूज करना है और दूसरा आपको अपने करियर और फाइनेंशियल फ्रीडम पाने के लिए यूज करना है। इसी तरह आप चाहे जितने भी विजन बोर्ड बना सकते हैं और जितने अलग अलग तरीके के विजन बोर्ड आप बनाएंगे, आपके सबकॉन्शियस माइंड के लिए ये उतना ही क्लियर होगा कि आपका ये गोल डिफरेंट है, आपका ये गोल डिफरेंट है। अपने सबकॉन्शियस माइंड पर अपने गोल्स को लेकर कंफ्यूजन ना रखें। अब बात यहाँ पर ये आती है कि हम अपने विजन बोर्ड को कहाँ पर लगाए। जैसे आप अपने करियर विजन बोर्ड को जहाँ पर आप काम करते हैं वहां पर लगा सकते हैं, और जो आपका पर्सनल विजन बोर्ड है उसे आप अपने घर पर, अपने सोने की जगह पर या जहां भी आप रेस्ट करते हो उस जगह पर आप लगा सकते हैं। ज्यादातर समय कोशिश करें जब भी आप एक कंफर्टेबल सिचुएशन में हो तो हर रोज सुबह और शाम उसके साथ अपना समय बिताएं। अपने विजन बोर्ड को देखिए, उसे समझिए, उसे अपना बेस्ट फ्रेंड समझिए, उसके साथ समय बिताएं और उन चीजों को विजुलाइज करें, अफर्मेशंस करें और उन सभी चीजों पर विश्वास रखें। और ये करने का सही वक्त ये होता है कि जब भी आप अपने बेड पर सोने के लिए जाएं, ज्यादातर समय उससे 45 मिनट्स पहले अपने विजन बोर्ड पर बिताएं। उस समय आपको सबसे ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि जब आप ऐसा करेंगे उसके बाद आप जब सो जाएंगे तो आपके पास उस तरह के विचार आपके माइंड में घूमता रहेगा और वो डायरेक्टली आपके सबकॉन्शियस माइंड तक स्ट्राइक करता है। आपका हर एक विचार और पिक्चर सारी रात आपके सबकॉन्शियस माइंड में घूमती रहती है, और जब आप दिन की शुरुआत करते हैं तब आप उस विजन बोर्ड के अफर्मेशंस और पिक्चर्स को देखते हैं जिस चीज को आप पाना चाहते हैं। क्योंकि जब आप ऐसा करते हैं तब आपके भीतर एक पॉजिटिव वाइब्रेशंस फ्लो होने लगती है, और आपके भीतर की वाइब्रेशंस उस वक्त ऐसी होती है जो वाइब्रेशंस आपके उस गोल के वाइब्रेशंस तक मैच करती हो। और लॉ ऑफ वाइब्रेशंस के अनुसार जब आपके भीतर की वाइब्रेशंस आपके गोल के वाइब्रेशंस से मैच करने लगेगी तब आप उसी तरह के वाइब्रेशंस को अट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ पर लॉ ऑफ अट्रैक्शन बहुत इफेक्टिव तरीके से आपके भीतर काम करने लगता है। और इसका इफेक्टिव काम करने का सिर्फ एक ही रीजन है कि आपके भीतर के वाइब्रेशंस और आपके गोल के वाइब्रेशंस में समानता दिखने लगती है। और जैसे जैसे आपका समय बीतता है वह सभी चीजें आपकी जिंदगी में मैनिफेस्ट होना शुरू हो जाती है। ये सेम प्रोसेस जिस तरह मैंने आपको विजन बोर्ड में बताया, ये आप विजन बुक में भी कर सकते हैं। मतलब आपको एक बुक रखनी है जिसमें आप राइटिंग टेक्निक का इस्तेमाल कर सकते हैं। अपने उन सभी चीजों को जो आप पाना चाहते हैं उन्हें सिंपल तरीके से लिखिए। उन चीजों की पिक्चर भी आप अपने विजन बुक में लगा सकते हैं। और जब भी आपको समय मिले, ऑफिस में या घर में या सोने से पहले या सुबह उठने के बाद, अपने उन विजन बुक को एक बार जरूर देखें, उसके साथ थोड़ा समय बिताएं। इन दोनों चीजों में, विजन बोर्ड और विजन बुक में, एक चीज क्लियर है कि आपको इनके साथ समय बिताना है, और समय के साथ साथ आपको अपने ड्रीम पर, आपका जो भी सपना है उस पर आपके इमोशनल फीलिंग्स जोड़ने हैं। आपके इमोशंस का होना बहुत ही जरूरी है, तभी ये परफेक्टली काम करता है। और फिर उस समय आप उन पिक्चर्स को देखकर जितना ज्यादा हो सके उन चीजों के लिए ग्रेटिट्यूड कीजिए कि आपको वो जिंदगी मिली है। अगर आपको जिंदगी नहीं मिली होती तो आप उन चीजों को कैसे अचीव करते, या आपके पास्ट में जो भी घटनाएं घटी है, जो भी अच्छी घटनाएं घटी है, उन चीजों को याद करते रहे। उन चीजों के लिए ग्रेटिट्यूड कीजिए, उसे धन्यवाद कीजिए, क्योंकि ग्रेटिट्यूड करने से आपके भीतर के वाइब्रेशंस हाई होने लगते हैं। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अनुसार जब आपके भीतर के वाइब्रेशंस हाई होंगे तब आप हाई वाइब्रेशंस वाली चीजों को ही अट्रैक्ट करेंगे। और ये महसूस कीजिए कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन किस तरह से आपके जिंदगी में काम कर रहा है। बिल्कुल उसी तरह से जैसा कि आपने सोचा था, उसे एक्सेप्ट कीजिए कि यह सचमुच काम करता है। और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है जो आपको याद रखनी है कि विजन बोर्ड की मदद से आप जिस भी गोल को हासिल कर लिए हैं उनकी पिक्चर्स को आप वहां से बिल्कुल भी ना हटाएं, क्योंकि वह आपको इस चीज की याद दिलाएगा कि आपने ऐसा करके उन सभी चीजों को पाया था। और जब जब आपको अपने अचीवमेंट के बारे में याद आएगा तब तब आपके भीतर के वाइब्रेशंस हाई होते हैं, आपके भीतर एक पॉजिटिव एनर्जी का फ्लो होता है। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि आपके भीतर की एनर्जी किस तरह फ्लो कर रही है। इसीलिए जब भी आप अपने गोल को अचीव कर ले तो आप उन विजन बोर्ड पर लिखे हुए चीजों को कभी ना हटाए। उन्हें भी देखिए कि आपने अपने जीवन में कितना कुछ अचीव किया था, फिर आप देखेंगे कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके जीवन में कितना इफेक्टिव तरीके से काम कर रहा है। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट जरूर कीजिएगा, और इसी तरह के वीडियोस पाने के लिए
चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। धन्यवाद।